What a wonderful world. What a wonderful world. Once again, Sara is back. अब सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए और आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको जो लेटेस्ट करंट इश्यूज चल रहे हैं स्माइल विद सारा की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो आप तक पहुंचे. COVID-19 सैडली 2020 बहुत एक वर्स ईयर था सबकी लाइफ्स में. हमारे बहुत अपने प्यारे और अगर वो हमारे करीबी नहीं भी थे तो एज अ ह्यूमन बींग तो हम रिलेटेड हैं. उन सब ने बहुत सफर किया, बहुत लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन फॉर्चुनेटली जो वैक्सीनेशन है वो बन चुकी है और दोबारा लोगों पे स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई होने. फर्स्ट डोज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. यूके में वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज अ डॉक्टर इन किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल. वो जनरल मेडिसिन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उसमें स्पेशलिस्ट हैं. तो मैंने उनको कोविड के जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त भी उनको इन्वाइट किया था, तो आज भी उनको इन्वाइट किया है. वैक्सीनेशन आ चुकी है, हम उनसे पूछते हैं रियलिटी ऑफ कोविड वैक्सीनेशन क्या है. डॉक्टर सोबिया अरशद, अस्सलाम वालेकुम सोबिया. वालेकुम सलाम सारा, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. थैंक यू, आपने ज्वाइन किया और आप पूरी दुनिया को बताएंगी कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वैक्सीनेशन. सबसे पहले तो ये बताएं, फाइनली पहुंच चुकी यूके में? या यूके हैज स्टार्टेड गिविंग वैक्सीनेशन फ्रॉम लास्ट मंडे. तो अब माशाल्लाह 7 दिन हो गए हैं लोगों को वैक्सीनेशन मिलते हुए. बिकॉज इन यूके एनएचएस तो आपको यू हैव टू गिव इट टू द होल पॉपुलेशन, तो एक सिस्टमैटिक वे से उन्होंने स्टार्ट किया है रोल आउट करना. तो फर्स्ट फेज में एवरीबॉडी हु इज अबव 80 इयर्स ऑफ एज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज हु आर ऑन द फ्रंट लाइन एंड केयर होम वर्कर्स, उन सबको वैक्सीनेशन मिलेगी. वंस दे ऑल हैड वैक्सीनेशन, फिर सेकंड फेज में जाएगा जिसमें पीपल हु आर बिलो 80 बट दे आर वल्नरेबल ग्रुप, दे विल हैव इट. सो इट्स वेरी सिस्टमैटिक वे दे आर गिविंग इट. ओके, सो जैसा आपको पता है सोबिया, कोई भी वैक्सीनेशन 100% तो कवर नहीं करती. कोविड की क्या वैक्सीनेशन कितना कवर करेगी एक पेशेंट को और कितने अरसे तक ये कवर करेगी? Yeah, as I said, it's a new vaccination, new virus, so it's a work in progress. Vakti batayega, most answers will get in time. Lekin abhi jo vaccination hai, Pfizer ki vaccination hai, which is being given. Okay. That's two doses. You give first dose and the second dose on day 21. Mm-hmm. Two doses ke baad, they are claiming that it will have 70-90% people will have immunity. बिल्कुल. तो ठीक है, मतलब आप कहती हैं कि 70-80% कह रहे हैं, तो मोर देन दैट ही होगा. अभी मैंने होपिंग या इट्स अ न्यू थिंग. अच्छा, अभी करंट न्यूज जिसका मैं सुन रही हूँ आजकल, आई हैव हर्ड कि यूके में म्यूटेट कर गया वायरस, तो इट्स लाइक ये क्या डेंजरस होगा? वैक्सीनेशन तो सर्टेन वायरस के लिए बनी है, म्यूटेट होके क्या ये अफेक्ट करेगी वैक्सीनेशन उस पर, क्या होगा? सारा बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज की, और कहां कहां म्यूटेशन के चांसेस होंगे और क्या है. आई थिंक इस वायरस को लेके बहुत ज्यादा हाइप दुनिया में, इसलिए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सो मेनी पीपल आर अफेक्टेड, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड. लोग लॉकडाउन में है, वो बाहर नहीं निकल सकते, सो दे आर रीडिंग टू मच इनटू इट. तो उनको लग रहा है कि इसी जिंदगी में पहली मरतबा हुआ है, विच इज नॉट ट्रू. कोविड वायरसेस पहले भी थे. अच्छा. और वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. और इट्स हार्ड टू से दैट दिस वैक्सीनेशन हाउ मच दैट विल बी अफेक्टेड ऑन दिस वायरस, द म्यूटेटेड वन. लेकिन जब म्यूटेशन भी हुई है तो द पीपल आर सेइंग दैट यू नो वो भी स्पाइक्ड वायरस है, तो उस पे भी पार्ट ऑफ इट
part of vaccination will be affected on that. Okay. So we're still hoping that it will be affected. Again, I'm going to say the same point. एक बॉडी में बिल्कुल भी एंटीबॉडीज नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, एंड देन यू गेट द वायरस, देन यू विल बी वेरी इल. लेकिन अगर आप में कुछ एंटीबॉडीज हैं, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है वैक्सीनेशन से, सो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड अ बिट बेटर. बेटर. सो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. ऑप्शन वायरस इज ऑलवेज म्यूटेट. दैट्स हाउ वायरस इज वर्क, दे ऑलवेज म्यूटेट. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. बिल्कुल म्यूटेट होना है. फ्लू वायरसेस के भी बहुत से स्ट्रेन्स हैं, बहुत से उनकी म्यूटेशंस हैं, और इसीलिए फ्लू वैक्सीन भी 100% लोगों पे इफेक्टिव नहीं होती, और फ्लू वैक्सीनेशन भी आपको हर साल लगवानी होती है. तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बिकॉज इस एवरी सबका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया. वो बहुत ज्यादा लोग वीडियोस देख रहे हैं और तो उनको लगता है कि फर्स्ट टाइम हुआ. इट्स नॉट ट्रू. स्पेनिश फ्लू भी आया था अर्ली 1900 में, तो 1920. सो सोबिया, आपने ये तो बता दिया कि 80 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी, तो इसके अलावा और किन किन को ये वैक्सीनेशन लग सकती है और किन को नहीं लग सकती? ये भी होगा कोई कुछ लोगों के जिन्हें नहीं लग सकती? फिलहाल 80 प्लस लोगों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, बिकॉज दे आर द मोस्ट हाई रिस्क ग्रुप. लेकिन सबको वैक्सीनेशन लग सकती है. इन रिसर्च दे हैवंट स्टडीड पीपल हु आर बिलो 16 इयर्स ऑफ एज और प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज. तो इसलिए यहाँ यूके में वो कह रहे हैं कि इनको अपना लगाए. लेकिन आई वॉज डिस्कसिंग विद माई कॉलीग्स हु आर a senior member of Ops and Gyne. So they're saying that they are investigating that, and they don't have any reservations to even give it to pregnant ladies. Okay. So above 16, anybody can have it. Okay. लहाल अभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि वो नहीं ले सकते. People who are severely immunocompromised, like HIV patients, because they don't have very good immune response, the vaccination will not be effective, kyunki unki immunity nahi hai, to immunity built nahi hogi. So that means that it might not work in them, lekin aap ye nahi keh rahe ki unko nahi lagaye. Lagane, you understand what I'm saying? Kisi ko bhi laga sakte hai, lekin jinki immunity bahut low hai, unme shayad response bahut acha na. Okay. और बल्कि मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, मैं सबको कहूंगी कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस COVID-19 वैक्सीनेशन, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो सोबिया आपको वहां रिप्लाई करेंगी. एनी क्वेश्चन किसी भी काइंड का, फील फ्री. राइट सोबिया? एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. ये तो अब आप लोगों के लिए फ्री कंसल्टेशन आ गया. जरूर लिखें आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें. शी विल आंसर यू straight from London. तो सोबिया आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, प्रोसेस में सारी? Because it's a new thing, it's a new system. Normally vaccinations, they are very easy to give because they come in a pre-formed thing. You take the injection and you give it to the patient. लेकिन ये क्योंकि नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा involvement here, the way it's frozen, it's kept, it has to be kept below 80 degrees. So they come in special bags. You can bring it to the normal fridge where you can only keep it for 12 hours. Then you have to make it, you have to construct it. So when you construct it in one vial, then that vial is only valid for 6 hours. So it's been bahut zyada सिस्टमैटिक जो है सिस्टम की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है कि हाउ टू गिव इट. ओके, बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये. सो वंस यू हैव मेड द स्ट्रेंजेस, वन वायल विल हैव 5 वैक्सीनेशन, सो यू कैन मेक 5 इंजेक्शंस एंड देन यू कैन गिव इट टू 5 पीपल. ऑब्वियसली इट्स अ न्यू वैक्सीनेशन, यू हैव टू टेक अ कंसेंट, यू टू मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेकिंग. वी आर नॉट फोर्सिंग इट ऑन एनीवन, इट्स नॉट मैंडेटरी. सो पीपल हु आर नॉट कन्विंस्ड बाय इट, दे डोंट हैव टू टेक इट. ओनली इन माय हॉस्पिटल इन 1 week वी हैव गिवन इट टू 2000 पीपल. और आपने कितने पेशेंट्स को दिए सोबिया? मैंने पर्सनली आई थिंक मेबी अराउंड 50.
Wow. It sounds less. As I said, you have to prepare it. You have to go through all the checklist. And then you have to give it yourself. Normally, vaccinations were historically is given exactly. By the... This is something very, you know, historical sa lag raha. Aapko pehli vaccination dete hue kuch hua ya patient ka kya reaction tha? All patients were very positive and no one had reservation. They were actually really happy that they're getting it because as I said, most of my patients were getting it above 80. So they were really excited. Yeah, they were very excited. So people side effects dekhne mein aaye aapke first dose ko ho chuke hain around 10 days, right? Yeah, so no one. We had no complaint from anyone. I had it personally just because I wanted to point. Just because I thought that I won't take it. I considered myself low risk. लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप दे रहे हैं लोगों को तो आप खुद भी लगा बाकी वैक्सीनेशन होती है यू कैन हैव अ बिट ऑफ एक इन द आर्म जहाँ पे लगा है और साइड और थोड़ा सा मलेज एक दिन होता है आप थोड़ा टायर्ड फील करते हैं जस्ट फॉर अ डे एंड दैट वाज इट. Oh wow! ये आपको एक और कांग्रेस आपको कि आपने no one has complained. But no one has complained. I'm giving vaccination 95-year-old, 96-year-old. क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं ओह कोविड की वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट. तो मैंने कहा आपसे पूछूंगी कि वाकई क्या कोई साइड इफेक्ट है या क्या है. There is no immediate side effects. As I said, 2,000 people in just my hospital. 2,000 people have received vaccination in with one no week. No side effects. That's wonderful. No one is complaining. And the second dose is 21 days. Yeah. Okay. Jaise cases rise pe aa rahe hain all over the world. To aapko lag raha hai ye end hoga aur kab tak hoga ye sab kuch? Well, we have to stay positive because it's been such a hard year. Agar hum log positivity, optimism chhod dein, we have nothing then. So we have to stay positive. And I have very high hopes on vaccination. We have no other choice. Yeah. So, inshallah, hoga, khatam hoga. And we have to see. You see the worst, and then it gets better. So we have to see one more spike. So because of how this is the one more spike, or another one more spike. Now this is the spike which will last till end of January and February. That because, is. But hopefully. And the first positive effect of vaccination hum log dekhna shuru karenge in February. Inshallah. February se agar safe. February ke baad agar graph jo hai wo down aana shuru hota hai, then that will be a sigh of relief. I'm hoping. I'm not a epidemiologist, but I am hoping that by Easter, by April, things will be better. Inshallah. And ye hai ke 2021 sab enter kare ek peace ke saath, ek you know relief ke saath. At least vaccination to aa gayi isi saal aur iska effect bhi acha ho. Ab aap sare log jo dekh rahe ho, unhe advice kya karengi? Main unko yehi advice karungi ki this has been a very tough year and it has taken its toll on mental health. I can understand ki log kafi down, depressed hai. And understandably, especially in Christmas time, people were planning and hoping to meet their families, and now they can't because everything is in lockdown. But please don't lose hope. Inshallah, there will be an end of it. And Urdu mein haathi nikal gaya hai, dum reh gaye. Just stay strong for 2 more months. And hopefully from March we will start to see some improvement. Wonderful. Or masks, journal masks, jo ye mere paas bhi pada hua hai, har tarah mask. Ye wala mask is better than the filtered one, I've heard. They both are good. You don't need a filtered one if you're keeping a distance and you are, you know, washing your hands and you're covering it. Then that's enough. You don't need a filtered one. But I won't say ki wo bad hai ya ye good hai. But it's not required. So this one is good enough. This one is good enough. Okay. Thank you so much, Sobhya, once again. And I hope ab jab hum third show karenge to end ho chuka hoga. Aur hum usko celebrate karenge, inshallah. Really, really hope so. It's been tough. So the only thing we all can do is stay positive
and enter into wonderful spirits and prayers and positivity. And don't listen to all the things that you watch on YouTube. Exactly. The side of don't read too much into lines. Yeah. Exactly. Thank you, Sovia. All prayers for you. Stay safe. Apna khayal rakhein. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.